हमारे इंजीनियर्स इन्वर्टर लेवल स्टाफ को उल्टा लटकाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि सुसाइड कर रहे हैं, इनका सुसाइड करवा रहे हैं। क्यों सर, इनको क्यों सुसाइड करवा रहे हैं आप? नहीं सर, हम लोग सुसाइड नहीं करा रहे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर पंकज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी के ब्रांच में। आज हम देखिए अपने इंजीनियर के साथ साइट पे आए हुए हैं। आज हमारे इंजीनियर देखिए कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं से क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जो आइए सर इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स इन्वर्टर लेवल स्टाफ को उल्टा लटकाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि सुसाइड कर रहे हैं, इनका सुसाइड करवा रहे हैं। क्यों सर, इनको क्यों सुसाइड करवा रहे हैं आप? नहीं सर, हम लोग सुसाइड नहीं करा रहे। क्या कर रहे हैं सर ये? इन्वर्टर लेवलिंग कर रहे हैं सर। इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ क्या होता है सर? इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ होता है सर, हम लोग कोई भी अगर स्लैब का या कुछ भी किसी चीज़ का मेजरमेंट हाइट लेना होता है तो हम लोग इन्वर्टर लेवलिंग करते हैं सर। जी सर, आप बताइए सर, इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ क्या होता है सर? सर, इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ होता है जब हम स्टाफ को उल्टा करके पकड़ते हैं और किसी भी स्लैब का हाइट या फिर इसके छज्जे का हाइट निकालना हो तो इसके हेल्प से हम लोग सर। जी सर, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स रीडिंग ले रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे इंजीनियर्स रीडिंग ले रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं। जी सर बताइए क्या कर रहे हैं सर? सर हम सर हाइट निकाल रहे हैं सर बिल्डिंग के बेंचमार्क से वहाँ। जी सर, और ये जो टॉप छज्जा है उसकी ये क्या है सर, इसमें बताइए क्या क्या आप कैलकुलेशन किए हैं जो सर? सर कैसे कैसे प्रोसेस किए हैं, यहाँ पास में आके थोड़ा दिखाइएगा। सबसे पहले सर मैंने सर बीच में सेंटर में ट्राइपॉड और ऑटो लेवल को सेट कर दिया जी। उसके बाद सर बेंच एक बेंचमार्क लिया, उसका रीडिंग मेजर किया बैक साइड, तो वो जो कि मेरा 0.92 आया है जी सर। उसके बाद सर फिर मैंने स्टाफ को उल्टा करके फिर टॉप जो छज्जा है उस पर मार्क वहाँ पे लगा दिया और उसके बाद रीडिंग लिया तो उस पर 3.925 आया है जी सर। कैसे कैसे कैलकुलेशन किए एक बार थोड़ा समझाइए सर, कैसे कैसे कैलकुलेशन किए? पहले हम लोग एच आई निकालेंगे बी एस की मदद से, तो एच आई का फॉर्मूला होता है आर एल प्लस बी एस, तो आर एल हमने एज्यूम कर लिया है 100 मीटर 100, तो उसमें बी एस ऐड कर देंगे 100 प्लस 0.92, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 100.92। तो उसके बाद सर फिर हम लोग ये इन्वर्टेड जो हमारा रीडिंग आया है उसकी मदद से न्यू आर एल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जी। न्यू आर एल के लिए एच आई प्लस जो हमारा ये फोरसाइट हो जाएगा लास्ट रीडिंग था हमारा, तो ऐड कर देंगे तो 100.92 प्लस 3.925 हमारा ये फोरसाइट आया था तो 104.845 आया है। फिर जो हम हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे तो उसमें जो न्यू आरएल माइनस ओल्ड आरएल, तो न्यू आरएल हमारा है 104.845 और ओल्ड आरएल जो हमने एज्यूम किया था 100, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 4.845 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी जी। जैसे कि सर ने बताया तो आप देखिए यहाँ पे आके दिखाइएगा, जैसे सर ने बताया कि हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमको हाइट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि बीच में इंस्ट्रूमेंट को सेट किए। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हम इस पॉइंट पे क्या किए, जो भी हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसको रख के क्या किए, रीडिंग लिए। रीडिंग लेने के बाद हमारा ये क्या हो गया, बी एस हो गया। बी एस होने के बाद इसका क्या किए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पे आर एल जो एज्यूम किए थे 100, उसको क्या किए बी एस में प्लस कर दिए, तो उससे हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। उसके बाद हम क्या किए, अपने लेवलिंग स्टाफ को क्या किए, इन्वर्टेड करें यानी उल्टा कर दिए। उल्टा करके जिस पॉइंट पे हमें हाइट चाहिए था उस पॉइंट को टच करते हुए क्या किए, उसका रीडिंग फिर लिए। रीडिंग लिए तो यहाँ पे सर ने रीडिंग लिया 3.925। उसके बाद हम इस पॉइंट का आरएल फाइंड किए, आरएल फाइंड किए तो क्या आया, 104.845। फिर इसको हाइट निकालने के लिए क्या किए, जो इसका जो आरएल आया था उसका आरएल हमने क्या माइनस कर दिया इस आरएल के साथ, तो हमारा हाइट क्या आ गया, 4.845। तो इस तरह से हम किसी पोजीशन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं। अब हम अपने दूसरे इंजीनियर से जाने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ का यूज क्या है। सर आप बताइएगा इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ का यूज क्या है? सर इसका बेसिकली तीन यूज आज हम लोग पढ़े हैं। पहला तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जी सर बिल्डिंग के किसी भी पार्ट का हमको एलिवेशन निकालना होता है तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये निकालने आ गया, कैसे निकालते हैं जी सर? हाँ, सबसे पहले वो बेंचमार्क पे हम जी बेंचमार्क पे हम बैक साइड ले लेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेट है हमारा जी, तो सर वहाँ पे हम बैक साइड ले सकते हैं। और फिर यहाँ से जिस पॉइंट का हमको आरएल निकालना है तो जी हमारा वो हमारा पॉइंट हो गया, हाँ उसको इन्वर्ट कर देंगे स्टाफ और वहाँ से फिर हम रीडिंग काउंट करेंगे जी, वो मेरा फोर साइड हो जाएगा जी सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा हमको, तो बैक साइड और उसका आरएल बेंचमार्क जी, तो ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। उसके बाद हम फोर साइड को ऐड कर देंगे तो हमको उस पॉइंट का आरएल निकल जाएगा। और सेकंड यूज क्या हो गया सर? सेकंड यूज निकालने के बाद हम अगर हाइट निकालना चाहते हैं तो 100 माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा जी सर। जी सर बहुत बढ़िया। अब सेकंड यूज बताएगा, सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज अगर हम जैसे कॉलम कास्ट करते हैं जी सर, कॉलम कास्टिंग तो, हो गया, कॉलम का हाइट ऊपर हमको मेजर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए हम जो है इन्वर्टर स्टाफ के हेल्प से
ऊपर का हम हाइट निकाल सकते हैं जी। इसके लिए हम सबसे पहले कहीं पे जो बेस है उसका वहाँ पे एक रीडिंग कर ले लेंगे, मैंने उसको हम बेंच मार मार के उसको रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे, वो हमारा बीएस हो गया, बीएस हो गया। उसके बाद हम जिस जितना हाइट हमको रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं 4.6 मीटर रिक्वायर है जी, तो वहाँ से फिर हम 1.4 वहाँ जो रीडिंग आया मेरा बैक साइड उसको 4.6 में माइनस कर देंगे और उतना रीडिंग हम काउंट कर लेंगे तो हमारा जो है स्लैब का हाइट निकल जाएगा। और इसका क्या यूज है सर? थर्ड जो यूज हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे कि हमारा जो शटरिंग होता है स्लैब का उसमें हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे कुछ आप खुद कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यस सर। जैसे कि इंजीनियर्स आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे हैं जो इन्वर्टर लेवल या स्टाफ किए हैं, उसमें किसी भी पॉइंट का हाइट निकालने के लिए सीखे हैं, स्लैब का मार्किंग देने के लिए सीखे हैं और स्लैब में शटरिंग का लेवल कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्लोप कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारे कुछ सीखे हैं। अगर इंजीनियर आप भी ऐसे सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी प्लेटफॉर्म को और अपने जीवन को नई ऊँचाइयों तक ले जाइए। तब मिलते हैं ऐसी इंजीनियरिंग कार्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।